अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्राम चिन्योड सिटी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग हैरियत से होंगे। चिन्योड का नाम सुनते ही सब लोगों के जहन में फर्नीचर ज़रूर आया होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में चिन्योड का फर्नीचर बहुत मशहूर है। मैं कल का चिन्योड सिटी में मौजूद हूँ, और पिछला व्लॉग जो है वो मैंने चिन्योड सिटी के अंदर जो चिन्योड की पहचान है, चिन्योड का ट्रेडमार्क है, उमर हयात महल या गुलजार मंजिल, उसको विज़िट किया। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आज के व्लॉग में मैं चिन्योड के अंदर मुगलिया दौर की एक शाही मस्जिद है, जिसको उस वक़्त के चिन्योड सूबा, हाँ जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, किसी वक़्त में चिन्योड का जो दर्जा था, चिन्योड की जो इंतज़ामी हैसियत थी वो एक सूबे की थी, एक प्रोविंस की थी जब मुगलिया दौर था। तो उसका जो गवर्नर था सादुल्ला खान, तो उसने शाही मस्जिद जो है वो तमीर करवाई थी। किस तर्ज़ पे? जिस तर्ज़ पे बादशाही मस्जिद बनाई गई है लाहौर पे, या लाहौर की एक दूसरी मस्जिद है वज़ीर खान मस्जिद, जो बादशाही मस्जिद से भी पुरानी है, उसके ऊपर भी मेरा व्लॉग है। अगर आप वो भी देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जो लाहौर की लाहौर हेरिटेज की प्ले लिस्ट है, उसमें आप वज़ीर खान मस्जिद पर व्लॉग देख सकते हैं। तो उस तर्ज पे सादुल्ला खान ने जो है वो यहाँ पे एक शाही मस्जिद बनवाई थी, उसको विज़िट करना है। इसके अलावा यहाँ पे दरिया चनाब के किनारे एक बू अली साहब हैं, उनकी चिलागाह है, दरबार है, बहुत खूबसूरत हेरिटेज है वो भी चिन्योड का। तो ये दो चीज़ें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस व्लॉग में कवर करने की। तो अभी मैं चिन्योड सिटी के अंदर हूँ, ये छोटा सा पार्क है, मैंने कहा यहाँ से व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, तो अभी सफ़र शुरू करते हैं। हाँ, सफ़र शुरू करने से पहले ये मैं बताता चलूँ कि चिन्योड शहर के अंदर जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ना, वो सारी की सारी सिटी के अंदर ही मौजूद हैं, और तमाम जगहों का एक दूसरे से फासला 5 से 10 मिनट का है अगर आप बाइक पे ट्रैवल करते हैं, और अगर आप पैदल हैं तो समझ लें एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने पर आपको 15-20 मिनट या 25 मिनट लग सकते हैं। तो चले आएँ, अभी सफ़र शुरू करते हैं। बिरयानी शानी जी खा ली है मैंने, तो अभी निकलते हैं। भूख बड़ी सर लगी हुई थी, सुबह नाश्ता भी नहीं था किया, नाश्ता करने गया था एक जगह से, तो वो उस वक्त तक जिस वक्त मैं उठ के गया हूँ नाश्ता ख़त्म हो गया हुआ था, तो अभी बिरयानी खाई है, तो अभी निकलते हैं जी शाही मस्जिद की तरफ, चिन्योड की शाही मस्जिद। ये फर्नीचर बाज़ार जो है ना चिन्योड का, और चिन्योड का जो गुलजार महल है ये उसी साइड पे आती है ये शाही मस्जिद भी। ये हैं जी चिन्योड के कूचाओ बाज़ार, इनके गली मोहल्ले, ये फर्नीचर की मार्केट है सारी। यहाँ पे अभी भी जो पार्टीशन से पहले के घर हैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ गलियों में मौजूद हैं। अगर आप गलियों में घूमें तो आपको वो बहुत सारे घर जो हैं वो नज़र आएंगे। ये देखें जी, जो मैं कह रहा था इस गली में आ रहे हैं, ये देखें जी पुराने घर यहाँ के, ये ऊपर देखें, ये हिंदू तर्ज तमीर पे, ये मतलब जो हिंदुस्तान का तर्ज तमीर था उस पे ये घर बनाए गए हैं। इस गली में बहुत सारी हवेलियां हैं, मैं सिर्फ हवेलियां दिखाने आपको आ गया हूँ, मैंने क्या आपको दिखाते हैं, कुछ लोगों को शौक़ होता है देखने का, मुझे भी शौक़ है। अब ये देखें कितनी खूबसूरत ये मंजिल बनी हुई है, ये चेक करें ज़रा, और इसके झरोके चेक करें, क्या ही शानदार काम है जी, वो
बहुत शानदार है। ये लोगों के घर हैं, ये आपको विजिट नहीं करने देते। इसका दरवाज़ा चेक करें ज़रा, कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त काम किया गया है। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे मकामी अफराद होते हैं, तकसीम हिंद के बाद जो लोग आए थे हिजरत करके, बहुत सारे लोगों को फिर जो यहाँ के हिंदुओं के घर थे ना, वो अलाट किए गए थे। और मैंने किधर जाना है, मैंने ये भी देखना है। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा गलत हो गया हूँ, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। जितना ज़बरदस्त मैंने घर देखा है, आपको दिखाया है, इतना सा गलत होना तो बनता है। देखा जी आपने, कितना ज़बरदस्त काम था दरवाज़े का, और ऊपर जो बालकनी बनी हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त काम था जी। ये है जी शाही मस्जिद आगे, इसका मेन गेट मेरे ख्याल से इस साइड पे होना चाहिए। देखते हैं, जी मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला है, इसी साइड पे इसका मेन दरवाज़ा है। यहाँ पे जी पहले बाइक खड़ी करते हैं और उसके बाद आपको ये मस्जिद विज़िट करवाते हैं। शाही मस्जिद चनियोट, जिसको नवाब सादुल्लाह खान ने 17वीं सदी में तमीर करवाया, इसकी तमीर का जो साल है वो वाज़े तौर पे कहीं भी हिस्ट्री में या तहरीरी मवाद में मौजूद नहीं है। ये जो नवाब सादुल्लाह खान था, ये शाहजहाँ के दौर में ये जो प्रोविंस था चनियोट, उसका गवर्नर था। तो उसने यहाँ पे ये शाही मस्जिद तमीर करवाई। इस मस्जिद की जो तर्ज तमीर है, ये बादशाही मस्जिद और जो वज़ीर खान मस्जिद है उससे मिलती जुलती है। तो अभी इस मस्जिद के अंदर चलते हैं और मस्जिद को मैं अंदर से विज़िट करवाता हूँ। ये देखें जी, ये इसकी बैरूनी दीवार है, और बैरूनी दीवार के बिल्कुल सेंटर में इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। ये एक चबूतरा बनाया गया है। मस्जिद काफ़ी ऊंची है, और इसके नीचे जो हैं वो कमरे, चार कमरे आपके दाईं साइड पे हैं और चार कमरे जो हैं वो बाईं साइड पे हैं। तो काफ़ी ऊंचा चबूतरा है, और ये जो चनियोट का अपना पत्थर है, इसी सरज़मीन का सुरख पत्थर, उसके साथ ये मस्जिद जो है वो बनाई गई है। जैसे ही आप मरकज़ी दरवाज़े से अंदर दाखिल होते हैं, तो सामने इसका जी सेहन है। सेहन में छोटी ईंट का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल वज़ीर खान मस्जिद की तरह इसमें भी छोटी ईंट लगा के सेहन बनाया गया है। सेहन के दरमियान जो है वो वुज़ू करने के लिए जगह है। ये जो टैंक है, ये जो तालाब है वुज़ू खाने के तौर पे इस्तेमाल होने वाला, इसका पानी जो है ये मस्जिद के साथ एक कुआं बनाया गया था। मैं कोशिश करता हूँ वो कुआं भी दिखाने की आपको बाद में। तो उस कुएं से पानी एक पाइप के ज़रिए इस वुज़ू खाने तक लाया जाता था। ये मस्जिद के अतराफ़ में भी एक एक कमरा बना हुआ है। एक कमरा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और एक कमरा यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है। ये जी मस्जिद का मेन हाल है, और अगर आप इसकी बात करें वर्टिकली, तो हर हिस्से में तीन तीन स्तून है, और अगर आप हॉरिजॉन्टल बात करें तो आठ आठ स्तून हैं, और तीन सफ़ें जो हैं यहाँ पे बनाई गई हैं। इस साइड पे भी जो है वो एक कमरा यहाँ पे बना हुआ है सामने, और एक कमरा यहाँ पे बनाया गया है। अगर आप हाल की तरफ से खड़े होकर बाहर देखें तो कुछ यूँ नज़ारा नज़र आएगा आपको।
चलें जी, अभी मैं आपको मस्जिद का जो मेन हॉल है वो विज़िट करवाता हूँ। इसका छत देखें जी, छत पे बड़ी खूबसूरत जो है वो फ्रेस्को पेंटिंग की गई है। ये दरमियानी इसका गुंबद है, डूम है, तीन गुंबद हैं इसमें टोटल। ये सामने मेहराब है, मेहराब बना हुआ, और ये मिंबर पड़ा हुआ है लकड़ी से बना हुआ। ये देखें जी, फ्रेस्को पेंटिंग का कितना खूबसूरत काम किया गया है। इसी तरह का काम जो है आपको मस्जिद वज़ीर खान में भी मिलता है। और इस हाल के अंदर टोटल जो सतून है वो 40 हैं, और हाल की दोनों अतराफ में जो है वो कमरे बने हुए हैं। ये देखें, एक कमरा इस साइड पे है, ये देखें ये सामान वगैरह रखने के लिए, और एक इसमें वेंटिलेशन के लिए विंडो है। बड़ी ठंडी हवा आ रही है, और मस्जिद के सामने जो है ये शाही बाज़ार कहलाता है ये सारा। और सेम इसी तरह से अगर आप दूसरी साइड पे चले जाएं हाल की, तो वहाँ पे भी इसी तरह का कमरा बना हुआ है, लेकिन वो ओपन एयर है। मैं अभी उस साइड पे जा रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ। इसकी तमाम दीवारों पे जो है वो पेंटिंग की गई है, और उसमें मुख्तलिफ जो फूल हैं, पौधे जो हैं, और सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, फल हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं, गुलदान वगैरह, वो सारे बने हुए हैं। और यहाँ से आप देखें तो आपको बाहर मौजूदा बाज़ार जो है वो नज़र आएगा। आप मस्जिद वज़ीर खान को लाहौर विज़िट करें ना, तो उसका भी जो मेन मरकज़ी दरवाज़ा है ना, उसके सामने भी यही कलमात लिखे हुए हैं, अफ़ज़लुज़्ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसकी दाएं साइड पे ये जो है नीचे सीढ़ियां जा रही हैं, और यहाँ पे जाते हैं, है तो ये जगह थोड़ी सी मिट्टी से गंदी हो गई है, लेकिन यहाँ से भी एक ये दरवाज़ा जो है मस्जिद का इधर आता है ऊपर। तो इधर से मतलब बाज़ार वाली साइड से अगर आपने आना है तो ये दरवाज़ा है, अभी उसको बंद किया है उन्होंने, और इस साइड से भी आप जो है मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। और यहाँ से अगर देखें तो ये भी देखें, एक जरोका टाइप जो है जगह बनाई हुई है, जहाँ से आप ये इस साइड का व्यू ले सकते हैं। सेम बाईं साइड पे भी इसी तर्ज तमीर पे कमरे बने हुए हैं, दो दो तीन तीन कमरे जो हैं वो ओपन हैं, मतलब उनके आगे किसी किस्म का दरवाज़ा नहीं है, और दो दो कमरे जो हैं वो बंद हैं, उनके आगे दरवाज़े लगे हुए हैं। मस्जिद वज़ीर खान में भी बिल्कुल इसी डिज़ाइन के जो हैं वो दरवाज़े लगे हुए थे, अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें ये डिज़ाइन, इसका चेक करें। यहाँ पे कमरों की तादाद मस्जिद वज़ीर खान की नस्बत कम है। मस्जिद वज़ीर खान में तो अच्छे खासे कमरे हैं, और वो मस्जिद इसकी नस्बत बड़ी भी है। मस्जिद वज़ीर खान का भी बताता चलूँ कि वो जिन्होंने बनवाई थी वो ख़ानदानी हकीम थे और चनियोड के रहने वाले थे। यहाँ पर जी कोई इस मस्जिद की थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये नवाब सादुल्ला खान वज़ीर आज़म हिंदुस्तान, उन्होंने ये बनवाई थी। और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, अगेन बताता चलूँ कि इसका जो बनाने का दुरानिया ना, वो कोई किसी भी तहरीरी मवाद में वो वाज़े तौर पे नज़र नहीं आया। आपको एक समझ लें 20-25 साल का एरा बताया जाता है कि उस एरा के दौरान ये शायद बनी होगी। मस्जिद के बिल्कुल सामने ये एक बगीचा है जो कि मस्जिद का हिस्सा है।
शाही मस्जिद की दुकानों में बनी चाय की दुकान से चाय पी रहा हूँ। चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आती है तो फिर इंशाल्लाह हम चलते हैं अबू अली कलंदर जो हैं उनके दरबार पे। बेसिकली उनकी यहाँ पे चिल्ला गया है, पैदा तो वो पानीपत में हुए थे, फिर यहाँ पे आके उन्होंने अपनी जो है ज़िंदगी गुजारी, अपना चिल्ला काटा। तो उधर चलते हैं, डिटेल जाके वहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ये रहा जी मस्जिद का दूसरा बरूनी दरवाज़ा जो कि बाज़ार वाली साइड पे खुलता है, और इस साइड पे अब जो मस्जिद के कमरे थे वो दुकानों का रूप धार चुके हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, बुज़ुर्ग बैठ के गपशप लगा रहे हैं, मैंने भी वहाँ पे बैठ के चाय पी है। और ये शाही बाज़ार कहलाता है। इसके साथ भी आपको ये देखें पुरानी इमारतें बनी नज़र आ रही हैं। तो चले आएँ, अभी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अबू अली कलंदर जो हैं उनकी चिल्लागाह की तरफ। मस्जिद की बैक साइड पे ये एक कुआं बनाया गया था जिससे मस्जिद की पानी की ज़रूरियात पूरी करते थे। ये रैंप बना हुआ है, छोटी ईंट से ये रैंप बनाया गया है, और ये आगे कुआं है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। इन्होंने ये चार दीवारी करके ना वो आगे ये बड़ी करके कुएं को जो है वो बंद कर दिया है ताकि कोई बीच में गिर ना जाए, क्योंकि कुआं काफ़ी गहरा है। चलें जी निकलते हैं अब वापसी की तरफ। अच्छा जी, अभी ये सुनियारा बाज़ार है चनियोट का, ये लें जी बाज़ार के साथ एक पुरानी दुकान भी देख लें। तो इस बाज़ार में से मैं गुज़र रहा हूँ और आगे जा रहा हूँ अबू अली कलंदर जो हैं उनकी चिल्लागाह की तरफ। तो अभी मैंने नोट किया है, काफ़ी पहले भी नोट किया, अब भी नोट कर रहा हूँ, अब व्लॉग करना ना यार बहुत मुश्किल हो गया है। हर बंदा देखता है आपकी तरफ, हर बंदा आ जाता है मेरी वीडियो बनाएं, मुझे व्लॉग में लेके आएं, तो सारा रिदम ख़राब हो जाता है, आधी बात मुंह में ही रह जाती है और बंदा जो है ना वो देखता रहता है कि भाई क्या है। तो अभी भी मैं जहाँ भी जा रहा हूँ कुएं की वीडियो भी बना रहा हूँ, दो दफ़ा बनाने की कोशिश की है बार बार, और बड़े भी आ जाते हैं जी साड़ी वीडियो बनाओ असी यूट्यूब पर आना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें जी, ये भी एक बहुत ही आलीशान इमारत है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, हर तरफ जरोके जरोके हैं, इसके नीचे दुकानें हैं बड़ी बड़ी। ये देखें जी बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, इसमें बहुत सारी फैमिलीज रह रही होंगी पक्की बात है। बहरहाल हम निकलते हैं यहाँ से। तो ये डिस्कस इसलिए कर रहा था कि व्लॉग बनाना मुश्किल हो गया है कि मेरी आधी बातें मुंह में ही रह जाती हैं, मुझे समझ में नहीं आता यार मैं कहाँ पे था और क्या बोलना है और क्या रह गया। ये ज़रा देखे ना क्या आलीशान जरोके हैं, किसी ने अच्छे संभाल के रखे हुए हैं। हाय हाय हाय, चनियोट की गलियों ने तो दिल लूट लिया जी। लें जी हम मेन रोड पे आ गए हैं बाहर, और इधर से 6 किलोमीटर है जी अबू अली सरकार का जो दरबार है, बेसिकली वो चिल्लागाह है, 6 किलोमीटर है, हम इंशाल्लाह 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, ये जो रोड है इसको फैसलाबाद सरगोधा रोड कहते हैं, जो चनियोट शहर से निकलता है। मैं अक्सर व्लॉग देखता हूँ किसी भी जगह के, तो जो एक कमी मुझे महसूस होती है वो ये है कि लोकेशन के बारे में कोई बंदा नहीं समझाता ना, कोई टाइम के बारे में बताता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप कितनी देर में पहुँचेंगे, लोकेशन नहीं कोई बंदा बताता। इस वजह से मैं ज़रूर रोड भी दिखाता हूँ, लोकेशन भी बताता हूँ,
ओके, और टाइम भी मैंने ऑलरेडी भी बता दिया कि चिन्योट सिटी में अगर आप मौजूद हैं तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे ये पू अली सरकार की जो चिल्ला गया है वहाँ पे जाते हुए। सामने ये जो पहाड़ी है चिन्योट की वो भी आपको नज़र आ रही होगी अब कैमरे में। ये भी जी चिन्योट का एक टूरिस्ट पॉइंट है जिसमें ये एक ब्रिज है दिखाया हुआ, सॉरी लगाया हुआ उन्होंने, दिखाया भी हुआ है। ये डबल ब्रिज है, इसको मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये भी इंशाल्लाह हम अगले व्लॉग में देखेंगे। यहाँ पे मुझे लगता है कोई मेला शेला लगा हुआ है क्योंकि लोग भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं। ये कोई मेला लगा हुआ है इस जगह पे। हाँ जी उर्स है यहाँ पे, आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे जी इस साइड पे। ये चूँकि दरिया की तरफ नीचे रास्ता उतर रहा है इस वजह से ये कच्चा है और अच्छा खासा कीचड़ हुआ हुआ है, पता नहीं पानी का ज़्यादा छिड़काव कर दिया। मेरे ख्याल से जी यहाँ पे भी मेला ही कोई लगा हुआ है या उर्स है और काफ़ी लोग आ जा रहे हैं। जब लोग ज़्यादा होते हैं तो वीडियो बनाने में उतने ही ज़्यादा मसले आते हैं, लोग देखते हैं, फिर जो वहाँ के मकामी अफराद होते हैं वो ज़्यादा शोहे बन जाते हैं। यकीन करें हमने ऐसा वैसा कैप्चर कुछ नहीं करना होता, वो फिर जानबूझ के ना अजीब किस्म की मुतालबात करते रहते हैं। चलें देखते हैं। ये है जी सामने बू अली सरकार की चिल्लागाह, और इस साइड पे जामिया मस्जिद है, और ये इसके सहन के तीन अतराफ़ में जो हैं वो बरामदे बनाए गए हैं, और ये इसकी एंट्रेंस है, दाहली दरवाज़ा है। अंदर ये सकाफ़ती हमारी दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पे बच्चों के खिलौने और खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं। और अब चूँकि यहाँ पर पहले वो ढोल छोल अभी भी वो बैठे हुए हैं ढोलों वाले, तो वो बजा रहे थे, तो मैं थोड़ा सा छोटा सा विज़िट करवाता हूँ आपको। इसकी एंट्रेंस पे लिखा है जिन्ना इश्क नमाज़ां पढ़ियाँ वो कदी नहीं मरदे, कामिल मर्दां दे दर आ के तक लियो दीवे बल दे। हाँ जी तक मतलब देखने से, अशे वोस पाक सरकार। बेसिकली ये एक चिल्लागाह है और इबादत करने की जगह है जहाँ पे बू अली सरकार, जिनका असल नाम शरफुद्दीन था, उन्होंने यहाँ पे आके चिल्ला काटा था, ये उनकी चिल्लागाह है। और इसके बिल्कुल साथ जो है यहाँ पे जामिया मस्जिद है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी बहुत ही शानदार और बड़ी जामिया मस्जिद है, बहुत बड़ी, इसका सहन भी बहुत बड़ा है और इसकी नक्शो नगारी बहुत आला है। जो इसकी वो कम्बिनेशन है कलर्स का वो बहुत मज़े का, वाइट और रेड टाइप। और ऊपर इसके पांच गुंबद हैं, आपको जो है वो ड्रोन में भी नज़र आ रहा होगा साथ साथ। और ये जो आपको ग्रीन कलर का डूम नज़र आ रहा है, इसके नीचे चिल्लागाह है, और ये जो डूम नज़र आ रहा है ये मस्जिद की एंट्रेंस है। और मस्जिद की दो अतराफ में बरामदे बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत अच्छे तरीके से इनको वेल फर्निश्ड किया गया है, बरामदों को भी, सहन को भी और मस्जिद को भी। मस्जिद का जी मेन जो हाल है नमाज के लिए,
अच्छा जी, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे बू वाली सरकार जो हैं उनकी चिल्लागा पे पहुँच गया था, लेकिन यहाँ पे मुसलसल ढोल बजाए जा रहे हैं जो हमारी क्या कहता हूँ गलत रवायात या गलत रस्म व रवाज हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। तो एक घंटा मैंने इंतज़ार किया कि शायद जी वालेकुम सलाम, एक घंटा मैंने इंतज़ार किया कम से कम कि ये जो खुराफात हैं ये बंद हों तो मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं बंद हो रही थी। फिर मैं बाहर आ गया, अभी ये जो चिल्लागा के साथ मस्जिद बनी हुई है जामे मस्जिद, उसके पीछे खड़ा हूँ। तो बेसिकली ये जो बू अली सरकार थे, ये इनका असली नाम है हज़रत शाह शरफुद्दीन, और ये इंडिया में पानीपत के मकाम पे जो हैं वो पैदा हुए थे, और फिर वहाँ से ये दीन इस्लाम की तबलीग की गर्ज़ से जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने क़याम किया और यहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। चिल्लागा बेसिकली आपको पता ही है उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला के नेक बंदे जो हैं वो बैठ के अल्लाह ताला के साथ जो हैं वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला के साथ अलहदा से वक़्त बिताते हैं। तो ये अब यहाँ पर उनकी चिल्लागा है और साथ जामिया मस्जिद है। अगर तो आप आते हैं यहाँ पे इस घर से कि हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे किसी वक्त में अल्लाह ताला के औलिया इकराम जो हैं उन्होंने आके अपना वक्त गुजारा था, तो आप अगर इस घर से आते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये जो ढोल बजाना और पता नहीं बहुत कुछ होता है दरबारों के अंदर, बहुत कुछ हो रहा था, मैं तंग पड़ जाता हूँ। और बहुत सारे लोगों को पता है मुझे इस तरह की जगह जो है ना वो किस तरह की जगह जहाँ पर इस तरह के काम होते हैं उनसे फिर मैं भागता हूँ। शोर मुझे पसंद नहीं, ये झंझट, ये हजूम, ये मुझे चीज़ें पसंद नहीं होती। इस वजह से मैं अक्सर हमेशा दूसरी जगह से अलहदा आके ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ड्रोन व्यूज़ मैंने लिए हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। जगह खूबसूरत है, अल्लाह के लोग अच्छे हैं, अल्लाह के वली जो हैं वो अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं जो आके इन जगहों पर यह गलत किस्म की रस्म व रवाज जो हैं उनको हम जो हैं वो प्रमोट करते हैं। तो इस व्लॉग में चिनोट के मैंने आपको एक तो यहाँ की शाही मस्जिद जो है वो दिखाई, और फिर ये मैंने आपको यहाँ पे बू अली सरकार की जो चिल्लागा है उसका विज़िट करवाया। अंदर से मैंने एक दो वीडियोस बनाई हुई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, या अभी चलता हूँ अंदर। जैसे ही ढोल बंद होते हैं तो फिर जाके अंदर से मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ, और वो वीडियोज़ मैं साथ साथ ऐड कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको चिनोट का ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में चिनोट सीरीज़ के आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।